हाँ, इस बात पे ना मैं अभी तक, मुझे ना अफसोस होता है कि फेम से पहले जो कुछ फ्रेंड्स थे, जो मेरे अच्छे फ्रेंड्स थे, वो अभी तक अच्छे फ्रेंड्स हैं मेरे, ठीक है। जो मुझे फेम के बाद मिले हैं वो ज़्यादातर वही आए हैं जो फायदे के लिए आए हैं, ठीक है, और मेरा नुकसान भी कर गए हैं। तो ये है कि मुझे फेम के बाद जो है, जाहिर सी बात है, शुरू शुरू में फेम मिला, मुझे नहीं पता था कि किस तरह से संभालना है, किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। ग्रूमिंग होती है बंदे की आहिस्ता आहिस्ता, बंदा बच्चा होता है, चीज़ों की समझ नहीं आती। तो अब जाहिर सी बात है, इतना टाइम गुजर गया तो बंदे को काफ़ी चीज़ों की समझ आई कि यार मैंने ये चीज़ गलत की थी, मुझे इस तरीके से करनी चाहिए, मुझे इस तरह के लोगों के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए। तो ये है कि दुनिया जो है ना, बहुत एक खतरनाक है। हर बंदा कॉम्पिटिशन पे है, हर बंदे को सिर्फ अपनी पड़ी हुई है कि यार बस मैं हूं और कोई नहीं है। ये बहुत एक है तो फैक्टर। मतलब जो पुराने दोस्त हैं वो ही बस वही दोस्त है। थे और वही है और वही रहेंगे। हाँ, वही रहेंगे ऐसे ही है। तो फेम में तो